आपके सामने जो टॉपिक है उसका नाम है गोदाउन। इसका नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। गोदाउन मतलब गोदाम, एक ऐसा जगह जहां पर हम अपने सामान को स्टोर करके रखते हैं, एक ऐसा जगह जहां पर दुकान के अलावा हम अपने सामान को स्टोर करके रखते हैं। तो ए प्लेस वेयर स्टॉक आइटम्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड गोदाउन। अगर कोई दुकानदार सामान खरीदता है और उसको दुकान में न रख के किसी दूसरी जगह रखता है, उस जगह को बोलते हैं गोदाउन। तो आपकी टैली को कैसे पता चलेगा कि आपने सामान दुकान में न रख के गोदाउन में रखा है? तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। इस टॉपिक का यूज करके आप अपने टैली में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप अपने सामान को दुकान में न रख के गोदाउन में रखते हैं तो आप अपने टैली को बता सकते हैं कि मेरा इतना सामान गोदाउन में है और इतना सामान दुकान में है। तो कैसे हम अपने सामान को खरीद के और गोदाउन में रखेंगे और टैली पे उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि कंपनी ने 1 नवंबर को कुछ सामान परचेज किया जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे यहां पर दिया हुआ है और उसको गोदाउन नंबर 1 में रखा। गोदाउन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहां पर नाम दिया गोदाउन नंबर 1। तो इस गोदाउन के फीचर को ऑन करने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली से F11 कंपनी फीचर पे जाके और फिर F2 इन्वेंटरी फीचर पे जाना पड़ेगा। मेंटेन मल्टीपल गोदाउन के फीचर को यस करेंगे। जब गोदाउन के फीचर को यस कर देंगे तो गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंटरी इन्फो के अंदर आपको गोदाउन का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी आपके गोदाउन है सबका अलग अलग नाम देकर आप अपने गोदाउन बना सकते हैं। तो चलिए हम टैली पे इस फीचर को ऑन करते हैं। हम पहले इन्वेंटरी इन्फो में जाकर देखें कि हमें इसके अंदर गोदाउन का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर अभी कोई गोदाउन का ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम बैक आएंगे और F11 प्रेस करेंगे। मैंने यहां से प्रेस किया F11 और यहां से आप इन्वेंटरी फीचर पे चले जाइए या आप F2 प्रेस कर दीजिए। मैं इन्वेंटरी फीचर पे चला गया। यहां पर आपको मेंटेन मल्टीपल गोदाउन का ऑप्शन दिख रहा है जो कि नो है। मैंने इसको यस कर दिया और यस करके इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब बैक आने के बाद मैं फिर से इन्वेंटरी इन्फो पर जाता हूं और देखता हूं तो यहां पे गोदाउन का ऑप्शन आ गया है। यहां पे एंटर करते हैं, यहां पर ऑप्शन आता है क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। ऑल्टर पे जाएंगे तो आपको एक गोदाउन पहले से बना हुआ दिखेगा जिसका नाम है मेन लोकेशन। तो जब भी आपको अपने सामान को दुकान में रखना होगा तो आप मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मेन लोकेशन सेलेक्ट करने का मतलब टैली समझ जाएगा कि आपका सामान दुकान में। और अगर आपको कोई सामान गोदाउन में रखना है तो आप क्रिएट पर जाकर और गोदाउन को बना लीजिए। मैंने यहां पर नाम दिया गोदाउन नंबर 1। हमारा गोदाउन बन गया। अब हम परचेज की एंट्री करते हैं। इन्वेंटरी वाउचर पर जाके F9 हमने प्रेस किया। GST परचेज डेट हम सही कर लेते हैं 1 नवंबर। और क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में इनवाइस नंबर 3440 महेश कंप्यूटर से सामान परचेज किया गया डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस। चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। सप्लायर इनवाइस नंबर 3440, डेट 1 नवंबर, पार्टी अकाउंट नेम महेश कंप्यूटर, गुड्स परचेज और यहां पे सामान है डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस। अभी इसके सीरियल नंबर की हमको जरूरत नहीं है। और देखिए अब हमसे ये गोदाम पूछ रहा है, पहले हमसे गोदाम नहीं पूछता था। तो जब इसने हमसे पहले गोदाम नहीं पूछा तो सारा सामान मेन लोकेशन में, मेन लोकेशन का मतलब है कि मेरे दुकान में। अब यहां पे जब हम स्पेस बार दबाएंगे, स्पेस बार दबाते ही यहां पे 2 ऑप्शन आ गया। और देखिए पहले हमारे मेन लोकेशन मतलब दुकान में। अभी अगर सामान खरीद के हमको दुकान में रखना हो तो आप मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको सामान रखना हो गोदाउन में तो आप गोदाउन सेलेक्ट करेंगे। कुछ सामान आपको दुकान में रखना हो, कुछ सामान गोदाउन में रखना हो तो आप यहां पर 1 बाय 1 दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सारा सामान गोदाउन में रख रहा हूं तो मैंने गोदाउन नंबर 1 सेलेक्ट किया। क्वांटिटी क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वांटिटी 50 पीस। रेट यहां पे क्या है,
1016 रुपए 95 पैसा है, टैक्सेबल वैल्यू 1016 रुपए 95 पैसे, 1016 रुपए 95 पैसे। देखिए अगर हम 25 पीस दुकान में रखते, 25 पीस गोदाम में रखते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी गोदाम नंबर वन में यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पे मेन लोकेशन लेके हम 25 पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता कि मेरा टैली समझ जाता कि 25 पीस गोदाम में है, 25 पीस दुकान में। लेकिन अभी हमने सारा सामान गोदाम में रखा है 500 पीस, तो गोदाम नंबर वन में 50 पीस की हम एंट्री करके और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। देखिए 60,000 रुपए का परचेज का एंट्री हो रहा है यहाँ पे, ईवे बिल हमने नो कर दिया और इस एंट्री को हमने न्यू रेफरेंस से एक्सेप्ट करा दिया क्योंकि हमने ये सामान उधार कर दिया। अब नेक्स्ट आपका आगे इसमें दिया हुआ है, देखिए ये सारी एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली है। आप अगर चाहते तो इस फीचर को F12 प्रेस करके, इस फीचर को यस करके आप लोकेशन भी डाल सकते थे, जैसे यहाँ पे लोकेशन डाला हुआ है मारवाड़ी मोहल्ला गोपालगंज, आप जगह भी बता सकते हैं। अगर एड्रेस आपको नहीं दिख रहा है वहां पे तो आप F12 प्रेस करके यस करके इस फीचर को और आप ये एड्रेस दिखा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही गोदाउन है। और ये परचेज की एंट्री हम 60,000 रुपए की कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये गोदाउन का एक टॉपिक समाप्त होता है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर का मतलब है कि अगर हमको गोदाउन से सामान अपने दुकान पे मंगवाना हो, चाहे दुकान से सामान हमको गोदाउन में भिजवाना हो, तो टैली को कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफर, मतलब ऑल्ट के साथ F7। ऑल्ट के साथ F7 करने से आपका स्टॉक जर्नल वाउचर खुलेगा, जहां पर आप इस चीज की एंट्री दिखा सकते हैं कि जब सामान आप गोदाउन से दुकान पे भेजिए या दुकान से गोदाउन में भेजिए, तो आपको इस वाउचर का जरूर से यूज करना है, नहीं तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो लिखा हुआ है इट इज यूज फॉर स्टॉक एडजस्टमेंट वाउचर। स्टॉक को एडजस्टमेंट करने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजने के लिए भी इस वाउचर का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक जर्नल वाउचर है, जब भी आप टैली ओपन करके और इन्वेंटरी वाउचर पे जब आप इंटर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये स्टॉक जर्नल वाउचर ही ओपन होता है। अगर आप किसी और वाउचर पे हैं, जैसे आप F9 करके हम परचेज वाउचर पे हैं, अब अगर हमको स्टॉक जर्नल पे जाना हो, अब आप ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करके और स्टॉक जर्नल पे चले जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम स्टॉक जर्नल पे ही रहते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे वाउचर पे हैं तो आप ऑल्ट F7 प्रेस करके स्टॉक जर्नल पे आ सकते हैं। और यहां पर देखिए लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, तो क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना पीस हमको ट्रांसफर करना है। ये कह रहा है कि 10 पीस डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस हमको गोदाम से, गोदाम नंबर वन से और अपने मेन लोकेशन मतलब दुकान पे ट्रांसफर करना अगले दिन 2 तारीख को। चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। हम यहां से F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं और नेम ऑफ आइटम हो गया डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस, क्वांटिटी 10 पीस। नहीं देखिए यहाँ पे गोदाउन का नाम देना है, गोदाउन नंबर वन पे 50 पीस हमें दिख रहा है, गोदाउन नंबर वन क्वांटिटी हमने दिया 10 पीस और रेट ये ऑटोमेटिक उठा लेता है, आपको रेट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से सेम नेम ऑफ आइटम डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस, कहाँ पे भेजना है तो मेन लोकेशन में जहां पर अभी एक ही पीस दिखा रहा है और क्वांटिटी हमको 10 पीस, बस रेट आपका ऑटोमेटिक ये उठा लेता है और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब हम यहां से बाहर निकलते हैं। तो ये एंट्री करने के बाद आपको समरी ऑफ गोदाउन मतलब गोदाउन में कहां पे कितना सामान है ये देखने के लिए आपको करना पड़ेगा DEG, डी फॉर डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और गोदाउन पे जाके गोदाउन नंबर वन पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका कितना सामान है, या आप अपने स्टॉक समरी से भी देख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम चेक करते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली से डी फॉर डिस्प्ले, ई फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और जी फॉर गोदाउन, गोदाउन में जाके गोदाउन नंबर वन में हमने जाकर देखा। देखिए वायरलेस की बुलमाउस कितना दिखा रहा है, 40 पीस दिखा रहा है। और मेन लोकेशन पे चले जाएं तो मेन लोकेशन पे ये सारे सामान है, जिसमें आपका वायरलेस कीबोर्ड माउस देखिए 11 पीस होना चाहिए। देखिए 10 पीस अभी हमने ट्रांसफर किया और एक पीस हमारा पहले से था, तो सब मिलाकर ये 11 पीस है। अब हम फिर से बाहर आते हैं और गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी पे जाकर देखते हैं।
स्टॉक समरी पे हमें टोटल अभी भी 51 पीस दिखा रहा है, और जब हम यहाँ पे इंटर करते हैं अभी भी 51 पीस है, फिर इंटर करते हैं तो फिर इंटर करने के बाद ये 60 पीस नवंबर में परचेज किए, और ये देखिए 10 पीस की ट्रांसफर की एंट्री है, यहां देख सकते हैं 50 पीस परचेज की एंट्री और स्टॉक जर्नल में 10 पीस ट्रांसफर की एंट्री है। तो इस तरीके से आप गोदाउन बनाइए, अगर आपका दुकान के अलावा कोई दूसरा आपका गोदाउन है तो आप गोदाउन बनाइए, और अगर आपका गोदाउन नहीं है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगला टॉपिक मैं आपको भेज दूंगा और उसका वीडियो बनाकर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you.